मामले में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से विशेष सचिव राजेंद्र प्रसाद सिंह ने हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में पेश किया। इस मामले में ये बताया कि झूठा नरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई, निष्पक्षता बनाए रखने के मकसद से सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में समयबद्ध तरीके से सीबीआई जांच कराई जाएगी। असाधारण परिस्थिति और गैर कानूनी घटनाओं के चलते मजबूरी में पीड़िता का अंतिम संस्कार रात में करना पड़ा ताकि हिंसा टाली जा सके। इसमें परिवार की मंजूरी थी और परिवार शामिल था। और हलफनामे में ये बताया कि सोशल मीडिया, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक घड़ा और राजनीतिक पार्टियों का एक घड़ा प्लानिंग और जातीय सांप्रदायिक दंगा भड़काने की कोशिश में लगा है। इसके बाद पुलिस का घटनाक्रम क्या है ये भी बताया कि पीड़िता और उसकी मां ने गर्दन में लगी चोट के अलावा किसी भी चोट के बारे में नहीं बताया। इसके बाद पीड़िता ने दो बार बयान दिए, 19 और 22 सितंबर को। 22 सितंबर को जाकर उसने रेप की बात कही जिसमें संदीप के अलावा रामू, लवकुश और रवि का नाम लिया। 22 सितंबर को ही फॉरेंसिक एग्जामिनेशन हुआ जिसमें प्रथम दृष्टया रेप की पुष्टि नहीं हुई। फिर परिवार ने पीड़िता को दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल ले जाने की अनुमति दी और 19 सितंबर को पीड़िता की मौत हो गई। यूपी सरकार ने हलफनामे में ये भी लिखा, इस घटना के बाद योजनाबद्ध तरीके से हजारों लोग सफदरगंज अस्पताल के सामने इकट्ठा हो गए जिसमें कानून और व्यवस्था का प्रश्न खड़ा हो गया। परिवार ने शव लेने से मना कर दिया। चंद्रशेखर रावण, कांग्रेस आम आदमी पार्टी के नेता पहुंच गए। किसी तरह प्रशासन शव को वहां से ले पाया। 29 सितंबर को ही सूत्रों के अनुसार ये बताया कि दोनों जातियों के संप्रदाय के हजारों प्रदर्शनकारी राजनीतिक और मीडिया के समर्थकों के साथ 30 सितंबर को ही पीड़िता के गांव पहुंच गए। इसमें ये बताया गया कि इन दलों ने परिवार को सरकार के खिलाफ बयान देने के लिए 50 लाख का प्रलोभन देने की कोशिश की। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने परिवार से खुलेआम ये कहा कि जब तक मांगे ना मानी जाए शव का अंतिम संस्कार ना करें। ऐसा यूपी सरकार का और यूपी पुलिस का दावा कोर्ट में किया गया। हलफनामे में सरकार ने कई जगह फॉल्स नरेटिव शब्द का इस्तेमाल किया। यूपी सरकार ने हलफनामे में ये भी कहा कि राजनीतिक सूबे के ये लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से सोशल मीडिया हैंडल चलाकर सरकार के गणमान लोगों की इमेज खराब करना चाहते थे। ये सारी बातें हमने आपको इसलिए बताई ताकि आप जान सकें कि जनसंख्या के लिहाज से सबसे बड़े प्रदेश ने इस संवेदनशील मामले में देश की सबसे बड़ी अदालत में क्या कहा। अब आप यूपी सरकार के दावों को पिछली तारीखों में हुई घटनाओं के साथ जोड़ सकते हैं तो पता चलेगा कि हलफनामा लिखने तक कितना बदल गया है। अदालत ने कहा कि यूपी पुलिस 8 अक्टूबर को बताए कि गवाहों की सुरक्षा को लेकर क्या किया। अदालत इस मामले में जनहित याचिका की सुनवाई करता रहेगा। वैसे पुलिस इस मामले में 1.5 दर्जन से ज्यादा FIR दर्ज कर चुकी है। अब इस केस में एक चीज और हुई, माहौल बिगाड़ने के लिए विदेशी फंडिंग आने की भी जांच की जाएगी। और अब इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड में पता चला कि मुख्य आरोपी और पीड़िता के भाई के नंबर पर 5 महीने में लगभग 100 से ज्यादा बात हुई है। फिलहाल SIT इस मामले की जांच कर रही है। देखते रहिए खबर की पूरी तह को समझने के लिए तफ्तीश सिर्फ अलाइव 24 न्यूज पर। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे चैनल अलाइव 24 न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।